3 में मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों और गैर नागरिकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखता है भारतीय संविधान। ये प्रोटेक्शन कुछ लॉज द्वारा है और क्योंकि हम सभी नागरिक और गैर नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना होने के ज्यादा चांसेस हैं कि वो राज्य द्वारा हो, इसलिए ये राज्य के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि राज्य क्या है और कानून क्या है, क्या राज्य होंगे और क्या कानून होंगे, इसी को निर्दिष्ट करता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। तो मैं दीपक कुमार शर्मा, और चलिए अब करते हैं आर्टिकल 12 और 13 ये जानने के लिए कि बेसिकली स्टेट क्या है और कानून क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 12 जब हमने राज्य पे आधारित वीडियो बनाया था तो उसमें हमने इस विषय की बात की है कि आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अब राज्य को परिभाषित करने के लिए यहां पे 4 मुख्य चीजें, मुख्य रूप से 4 सेक्शंस में बांटा गया है। एक तो गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, यानी कि जो लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है एट सेंटर, ये सेंटर के लेवल पे है। नंबर 2 गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर एट स्टेट लेवल। 3 लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायतें और एटसेट्रा, और 4 अदर बॉडीज। अगर इसके बारे में आपको समझना है तो आप राज्य वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने इसको समझाया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य जिसको भी, यानी कि सरकार द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा जिसको भी पावर दी जाती है कानूनों द्वारा राज्य के नियमों कानूनों को लागू करने की, वो सभी राज्य के परव्यू में आएंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, और चाहे वो लोकल बॉडीज हो। अब आर्टिकल 13 क्या करता है? आर्टिकल 13 बात करता है कि किस तरीके से इन लॉज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब यहां पे ध्यान रखें आप कि आर्टिकल 13 में 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स हैं। आर्टिकल 13 के 4 पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेवरेबिलिटी। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई कानून जब संविधान लागू हुआ उससे पहले या उसके बाद में कोई भी कानून ऐसा हो जो कानून या उसका कोई हिस्सा मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, यानी मौलिक अधिकारों को लागू होने से रोकता हो, बाधित करता हो, ऐसा कानून लागू नहीं होगा, वो समाप्त माना जाएगा। सेपरेबिलिटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं सेपरेबिलिटी। अब दूसरा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसको समझ लेना जरूरी होगा कि संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद कोई भी ऐसा कानून है जो कि प्रेजेंट मौलिक अधिकारों को बाधित करता होगा या उसके अगेंस्ट होगा, तो ऐसे लॉ को एक्लिप्स कर लेगा। ग्रहण होता है ना, ऐसे लॉ को एक्लिप्स कर लेगा मौलिक अधिकार, यानी कि वो कानून खत्म नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि टाइम के आधार पे कानून लागू होते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा उस समय में अगर कोई ऐसा कानून उल्लंघन किया गया हो तो उस पे वही कानून लागू होंगे जो उस समय में प्रचलित थे। तो ऐसे कानून रहते तो संविधान में ही है लेकिन वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, वो सुषुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक्लिप्स क्रिएट हो जाता है फंडामेंटल राइट का। तो इन दो चीजों का आप ध्यान रखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब यहां पे आपको एक चीज बता दूं जिसको कि आपको दो ही चीजों को बस ध्यान रखना है, वो है आर्टिकल 368।
अनुच्छेद 368 क्या है? अनुच्छेद 368 है अमेंडमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर के कोई कानून लाया जाता है, कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 के अंडर में लाया जाता है, तो उस पे आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। याद रखेंगे आप, आर्टिकल 13 लागू नहीं होगा। इसके लिए आप इसमें याद रखें, एक तो था गोलकनाथ केस। तो गोलकनाथ केस में यह कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर आर्टिकल 13 लागू होगा, लेकिन 24th अमेंडमेंट द्वारा यह व्यवस्था की गई 13(4) ला करके कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर के विषय में कहीं पे भी अनुच्छेद 13 लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारतीय संविधान के बनने के बाद में किसी भी विषय के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन लाया जाता है, तो उस संशोधित विषय पे आर्टिकल 13 के अंडर में उसे अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव नहीं किया जा सकता। इस तरीके से यहाँ पे एक तो गोलकनाथ केस आपको याद रखना है, एक 24th अमेंडमेंट याद रखना है। तो गोलकनाथ केस में कहा ला सकते हैं, 24th अमेंडमेंट से 13(4) लाया गया जिसने कहा कि नहीं ला सकते हैं, और फिर आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, जिसने फाइनली इस बात को निर्धारित कर दिया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित अगर कानून आया है, कोई भी संशोधन किया गया है, तो उस संशोधन पे को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली ये अनुच्छेद 13 जो है वो कानून अमान्यता को दर्शाता है कि किस कानून को मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग अमान्य घोषित किया जा सकता है। आपके लिए इस बात को खास करके ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हम अदर एग्जाम्स को छोड़ दें, तो अगर वनडे एग्जाम की बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है कि कानून अमान्यता, कौन से कानून फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली अमान्य होंगे, इसको दिया गया है अनुच्छेद 13 में। आपके लिए इतना काफी रहेगा जानना अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के लिए। धन्यवाद।